शायद ये उतना इम्पैक्ट नहीं जाएगा इस मामले में, जो है कोई भी एमएलए हो या एमपी हो, कोई देखो ना आप ही सोचो, कोई पॉलिटिकल लीडर हमको बोल रहा नहीं कि करो करो बोल, तो लोगों में कहाँ आता वो जज्बा बंद करने का, वही आदमी हमारे साथ देने सिवाय अमीरी शरीयत के कोई नहीं बोल रहा हमको, एक फोन भी नहीं आ रहा। इवन जो इंस्पेक्टर का फोन आया, ऐन मारता इधर नहीं, वो क्या कर रहे थे सब लोग, यार को फोर्स मोड़ा कि बलवंत मोड़ा होगबेड़ी क्या भी तुम्हें किसी भी जुलूम जबरदस्ती करो ना को बंद करने के लिए, खोलने वाले खोलेंदे बंद करने वाले बंद करें दे, वैसी हमारी बात होगा ऐसा, खोलने वाले खोलेंदे बंद करने वाले बंद कर लग जाते हैं, हमारे बड़ों की बात है बंद करो करें, अब मैं हूँ बंद करा दूँ, कुछ आदमी ही नहीं बंद करना चाहते, तो तुम्हारी मर्जी तुम्हें खोलो या बंद करो, वो तुम्हारे ऊपर फोर्स नहीं है हमारे तरफ से, कामयाबी मिलेगी नहीं, मेरे ख्याल से इसमें कुछ भी क्या भी हो जैसा नहीं देख रहा हूँ। एक ही चक हमारा टारगेट सुप्रीम कोर्ट में अच्छा लड़को प्रूव करना, एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम करके दिखा को निकालना। कौन इस जिम्मेदारी को निभाया सर, अच्छे वकील को हायर करके इंटरनेशनल वकील, बहुत लोग हैं, बहुत दानिशमंद लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, हमारे इंडिया में भी बहुत से अच्छे एडवोकेट थे, नॉन मुस्लिम एडवोकेट थे, जैसे दशवंत दावे साहब है, वो कृष्ण कुमार वाले, रवि कुमार वाले, ऐसा ही हमारे यहाँ वहाँ पे दिल्ली में बहुत अच्छे हैं। अगर ऐसा कुछ भी लगा हम ना कुछ बड़ी फीस देखो इंटरनेशनल से बुलाना चाहते हैं, तो मेरी राय है कि इंटरनेशनल से भी एक दो को हायर कर ले, 10-20 लाख 50 लाख लेती, करोड़ लेती, उन्होंने आती उनको भी एक दो जने को रख ले, को उनके मुंह से भी कुछ कलामात कुछ बातें ऐसे निकाले जिसके ऐसे कुछ हमारे फेवरेबल में भी ना उम्मीद हो तो नो चारा, कुछ नहीं है, जैसी है जैसा है जीना है, कोई रास्ता नहीं है, ये हमारे लिए दस्तक बजा है, जाग जाओ मुसलमानों, अभी तुम्हारे लिए वक्त है, अभी भी एक नहीं हो गए तो तुम्हारी जो है दास्तान में दास्तान नहीं रहेगी, ये दस्तक है, याद रखो मुसलमानों, ये हमारे लिए दस्तक है, अभी वही है काम मुसलमानों का मेन। अब टारगेट क्या है, कमा तो कमा रहे, खाना तो खा रहे, पीना तो पी रही, जो जो करना है कर ले, जो भी मालदार हजरात हैं हैसियत वाले हैं उनको आगे बढ़कर आना चाहिए। ये बच्चियों को जो है एज पर हाईकोर्ट भी डायरेक्शन भी वही मिला है कि अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी के स्कूलों में अगर उन्होंने अलाउ करें तो हिजाब को हिजाब के साथ पढ़ सकती, एक्सेप्ट वो डेवलपमेंट कमेटी, कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी के स्कूलों में अगर यूनिफॉर्म लागू करे रहे तो वहाँ उन्होंने बोले सर का सुना, वरना कहीं भी तुम्हें बगैर हिजाब के साथ जा सकती, तो की नहीं हमारे स्कूलों से हमें खोलेंगे, की नहीं हमारे यूनिवर्सिटियाँ खोलेंगे, डिग्री कॉलेज हमें खुद खोलेंगे, हमारे पास जमीन आई, जगह है, पैसा है, बोले जैसे ओपोर्ट की जगह है ना, कई जगह है, ओपोर्ट वालों से हमारी इल्तजा ये है कि जहाँ जहाँ भी हमारी जगह है देखिए निकालिए, ब्रेकअप कीजिए, निकाल के कुछ इंडिविजुअल्स मुसलमानों के बुलाइए कि हम यहाँ पे ये टारगेट है हमारा, ये घुरी है, हम यहाँ काम करना चाह रहे हैं, इसके लिए तुम्हें क्या तावन कर दें, ज़कात का पैसा भी लगाओ, सदका का पैसा भी लगाओ, खैरात का पैसा भी लगाओ, वहाँ पे तामीर करो, पहले स्कूलें बनाओ, यूनिवर्सिटीज़ बनाओ, कॉलेजेस बनाओ, बच्चों को वहाँ पे तालीम दो, हमको नहीं चाहिए इनके स्कूल, हमारे बच्चों को बगैर हिजाब के आने के लिए मना कर रहे हैं, हम नहीं आते, हमारे स्कूल में पढ़ लेंगे, यही हमको अब करना है।